हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? आई होप कि बहुत बढ़िया होंगे। लास्ट वीडियो बनाया था मैंने लॉयन चाप कटर का, उस पर काफ़ी अच्छा आपका प्यार रहा, तो फिर से मैं आया हूँ नए नए मॉडल लेकर आपके साथ में। तो अगर आप एक छोटे किसान हैं, आपके पास इतना बजट नहीं है और आप चाहते हैं कि हमें भी कुट्टी मशीन खरीदनी है, तो ये कुट्टी मशीन आपके लिए हैं जी। तो चलिए तो अपन सारा सब कुछ इसका विवरण देखते हैं। नमस्कार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। नमस्कार सर जी। जी जी, सबसे पहले तो आप अपना परिचय बताइए, अपनी कंपनी का परिचय बताइए और पता बताइए। मेरा नाम धवल है, मैं लायंस इंडस्ट्रीज से हूँ। हमारी कंपनी है गुजरात के राजकोट जिले में जसदण में, जैसे डायरेक्ट आप आठकोट भी आ सकते हो। जी जी, सबसे पहले हम यहाँ पर आज छोटे किसानों के लिए बात कर रहे हैं, जिनके पास बजट कम होता है उनके लिए बात करते हैं। तो आपके पास कौन कौन से ऐसे मॉडल हैं जिसके बारे में एक एक करके अपन देखेंगे जो किसानों के काम आता है? हमारे पास 1 HP से लेकर 3 HP के लिए, क्या जो रेगुलर किसान रहते हैं 1 से लेकर 20-25 पशु तक रखते हैं, उनके लिए भी सभी मॉडल अवेलेबल है। अच्छा अच्छा, चलिए तो एक एक करके अपन समझते हैं। किसान साथियों, सबसे पहले आता है 1 HP, यानी कि बिल्कुल नाम भी नैनो लेकिन काम बहुत तकड़ा जी, इसके बारे में बताइए आप। ये सर जी हमारा सबसे छोटा चाप कटर है, जैसे कि कई किसान लोग क्या रखते हैं 1 से 4-5 पशु तक रखते हैं, तो उनके लिए ये मशीन बेस्ट रहता है। इसमें क्या रहता है कि 2 ब्लेड वाला मशीन आता है और 1 HP मोटर से ऑपरेट कर सकते हो आप इसी इजीली। यानी कि घरेलू जो सिंगल फेस की मोटर है उससे हो जाएगा ना, सिंगल फेस के कनेक्शन से? घरेलू जो सिंगल फेस लाइट रहती है उनसे आप यूज कर सकते हो। अच्छा, तो 1 घंटे में कितना मतलब चारा काट देती है? 1 घंटे में इसकी कैपेसिटी 300 से लेकर 400 किलो के रहती है, गीला हो चाहे सूखा हो सभी प्रकार का आप कटिंग। अच्छा, गीला सूखा सब कर सकते हैं? गीला सूखा दोनों कर सकते हैं। उसके बाद में ये मॉडल L10 आपने ले रखा है, तो ये कितने पशुओं के लिए है और कौन से किसानों के लिए काम में आता है? ये हमारा L10 मॉडल है, ये जैसे कि 4 ब्लेड में आता है और ये ऑटोमेटिक रोलर सिस्टम वाला रहता है। 1 पशु से लेकर 10 पशु के लिए आप इसे यूजली आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये 2 HP मोटर से ऑपरेट हो सकता है। अच्छा, और सिंगल फेस या 3 फेस? जैसे सिंगल फेस भी हो जाएगा और 3 फेस भी हो सकता है। अच्छा, जैसी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। 1 घंटे में कितना काटेगा ये? 1 घंटे की कैपेसिटी रहती है 700 से लेकर 800 किलो तक, 1 टन के आसपास भी उसकी कैपेसिटी रह सकती है। गीला हो चाहे सूखा हो सभी प्रकार का कटिंग आप इजीली इससे कर सकते हो। 4 ब्लेड में आएगा जी, बिल्कुल। अच्छा अच्छा, उसके बाद में फिर आपने L10+ लगाया है, इसमें तो शायद मेरे ख्याल से कुछ आटा वाटा भी बनाते हो क्या इसी में? जी, ये हमारा जो मॉडल है L10 मॉडल है, इसमें मॉडिफाई करके L10+ मॉडल बनाया, जिसके इसकी खासियत क्या रहेगी, ये आटा चक्की में आएगा। किसान लोग को क्या रहता है कि पशु के लिए आटा दलिया भी बनाने का रहता है, तो क्या आटा चक्की रखने की जरूरत नहीं पड़ती है, साथ में आटा चक्की आ जाती है। जैसे कि सेम आटा चक्की घर के लिए आती है, उस तरह से इसमें आटा दलिया मसाला सब निकल जाए। जैसे इसमें 6 प्रकार की जाली आ जाती है आटा दलिया अलग अलग बनाने के लिए। मशीन भी चलेगा और आटा चक्की दोनों साथ में चलाना हो साथ तो में साथ चला में सकते हैं। अच्छा, और अगर खाली सिर्फ अपन को अपन दलिया विलिया करना तो? जी, खाली दलिया बनाना हो तो भी इसमें सिस्टम रहेगा। जैसे कि 2 बेल लगते हैं, 1 बेल इसका निकाल दो तो सिर्फ आपको आटा चक्की चलानी हो तो सिर्फ आटा चक्की भी चला सकते हो। एक ही मोटर पे कुट्टी मशीन भी चलेगी और आटा चक्की भी चलेगी? बिल्कुल। और कीमत भी मेरे ख्याल से बहुत वाजिब होगी, अगर अलग से आटा चक्की लगाएगा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। ये कितने HP का है? ये 3 HP मोटर से इजीली ऑपरेट हो जाएगा। ये सिंगल फेस है या 3 HP? 3 HP मोटर आप सिंगल फेस आपको जो कनेक्शन हो उस टाइप से लगा सकते हो। सिंगल फेस भी चलेगा, 3 फेस भी चलेगा। ओके ओके, फिर आपने ये L7 लिया है जी, इसकी क्या खासियत है? ये हमारा सबसे ज्यादा चलने वाला मॉडल है L7 मॉडल। इसमें क्या है कि 4 ब्लेड ही आएगी और 2 ऑटोमेटिक जो रोलर रहते हैं वो 3 HP मोटर से ऑपरेट होता है। ये 1 पशु से लेकर 20-25 पशु तक आराम से चल जाएगा। इसकी कैपेसिटी रहेगी 1 टन से लेकर 1.5 टन के आसपास की कैपेसिटी। अच्छा, 1.5 टन के आसपास 1 घंटे में। जी जी जी। अच्छा, इसमें ये लीवर दे रखा है, मतलब क्या ये इसमें रिवर्स भी चलता है? ये रिवर्स फॉरवर्ड सिस्टम रहता है। जैसे कि मान लो कि कोई चारा फंस जाए, ऐसा कोई लाइट का कोई प्रॉब्लम हो तो डायरेक्ट आप इजीली से रिवर्स भी कर सकते हो और डायरेक्ट फॉरवर्ड भी कर सकते हो। अच्छा, क्या मोटर पर लोड नहीं पड़ता है, इसकी वजह से मोटर चलने की समस्या कम रहती है इसकी। कितना HP का मोटर लगता है इसमें? 3 HP मोटर के आप ऊपर इजीली ऑपरेट कर सकते हो। सिंगल फेस ये भी? हाँ जी सर। अच्छा अच्छा, और यानी कि लगभग 25 पशुओं के लिए ये काफी बेहतर है। है और हमारा सबसे ज्यादा चलने वाला मॉडल है। अच्छा, ये यानी कि ट्रेंड पे चलता है L7 मॉडल जी, याद रखिए L7 ट्रेंडिंग पर है।
चलिए नेक्स्ट, आपने L7 प्लस लिया है जी, ये हमारा L7 प्लस मॉडल, जैसे कि वो L7 मॉडल था उसके ऊपर भी आटा चक्की आप लगा सकते, इसमें भी आटा दलिया मसाला सब इस टाइप की 6 प्रकार की इसमें जालिया आ जाएगी जी, अलग जी, अलग जी, बनाने के लिए जी जी। अच्छा, तो आपने पहले L10 प्लस लिया था, ठीक है, और फिर L7 प्लस में ये किया, तो दोनों में क्या फर्क रखा आपने? दोनों में जो L10 प्लस वाला मॉडल है इसमें ब्लेड 6 इंच की रहती है, इसमें 9 इंच की बड़ी ब्लेड आती है। मान लो कम पशु हो तो L10 वाला ले सकते हो, और 20-25 के आसपास पशु हो तो L7 वाला मॉडल अच्छा रहेगा, L7 प्लस। और इसमें भी फिर दलिया वगैरह सब कुछ कर सकते हो, दलिया मसाला सब निकाल सकते हो। अच्छा, ये तो यानी कि जानकारी आपने सारे मॉडल्स की यहाँ पर दे दी, जो यानी कि छोटे किसान है एक पशु से लेकर 25 पशु तक, उनके लिए ये मशीनें हैं। अब अपन बात करते हैं कि बंदा अगर खरीदता है उससे पहले उसके दिमाग में ये भी घुसता है कि कोई वारंटी गारंटी भी लेगा कि नहीं लेगा, तो कितनी वारंटी रहती है इसमें जी? मोटर के साथ लेते हो तो मोटर में 1 साल की पीस टू पीस गारंटी हम देते हैं, कि मान लो कि 1 साल में कोई भी प्रॉब्लम होता है तो मोटर आपको नई की नई दूसरी मिल जाएगी। ओके, और बाकी ब्लेडे वगैरह उसमें? हाई कार्बन स्टील की ब्लेडे आती है इसमें, मान लो कि बहुत ज्यादा समय हो जाए, 1 साल 2 साल 3 साल हो जाए, जैसे कि आप यूज कर रहे हो, बाकी तो क्या है, साफ सफाई रखोगे मशीन में तो लाइफ टाइम इसे कोई प्रॉब्लम तो होने वाला नहीं है। मान लो कि 2-3 साल हो जाए, इसके बाद ग्लेंडर से सिर्फ घिस लोगे, धार लगाओगे तो भी चलेगा, बाकी ब्लेड बदलने की जरूरत नहीं पड़ती है जी। बाकी तो पूरा लोखन है तो कोई दिक्कत है ही नहीं, बिल्कुल पूरे बेल्ट वगैरह कुछ हो जाए तो बाजार में भी मिल सकती है, लोकल में भी मिल जाएगा, और अगर लोकल में ना मिले तो यहाँ से हम कुरियर भी करवा देते हैं जी। ओके, अब बात करते हैं अपन बुकिंग की, यानी कि कहाँ कहाँ से बुकिंग कर सकते हैं? बुकिंग आप ऑल इंडिया में कहीं पर भी रहकर आप बुकिंग करवा सकते हो, जैसे कि आपका गांव रहता है तो गांव में भी मशीन आ जाएगा, ऐसा नहीं है कि आपका जो तहसील जिला लगता है वहां पर ही आप लेने जाना पड़ेगा, यहां से कुरियर करवा देते हैं या फिर ट्रांसपोर्ट हो तो ट्रांसपोर्ट में भी डलवा देते हैं, आपके गाँव तक मशीन आ जाती है। ओके, कहीं पे भी आप बेच सकते हो? कहीं पर ऑल इंडिया में आप कहीं पर भी मंगा सकते हो, होम डिलीवरी रहती है मतलब जी। अच्छा सर, आप किसान लोग हमारे कीमत के लिए वेट कर रहे हैं जी जी, क्या कीमत होने वाली है इनकी? ये छोटा वाला मॉडल जो है उसे स्टार्टिंग करते हैं, जो छोटा वाला मॉडल है वो स्टार्टिंग प्राइस हमारा रहता है 10,000 से लेकर 24,000 तक। इसमें मोटर भी देते हैं या विदाउट मोटर? विदाउट मोटर रेट रहता है, विदाउट मोटर आता है, उसके बाद शायद मेरे ख्याल से ऊपर नीचे अप डाउन होता रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है जी। अच्छा, इस पे क्या सब्सिडी भी है क्या? हां जी, सब्सिडी भी गवर्नमेंट के ऊपर से अब सब्सिडी भी इसमें हो जाती है। कितना परसेंट तक होती है? 50 से लेकर 60% तक हो जाती है, अलग अलग स्टेट के ऊपर रहता है। अच्छा सर, सब्सिडी की बात कर रहे हैं तो किसानों को कहाँ जाना पड़ेगा और क्या करना पड़ेगा फिर? सब्सिडी के लिए क्या रहता है कि स्टेट के हिसाब से रहता है, आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हो या फिर हमारा जो नंबर है उन पर आप बात भी कर सकते हो, आपकी पूरी हेल्प कर देंगे उसमें। जी 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है। छोटे किसानों के लिए छोटी मशीन है, बड़े किसानों के लिए बड़ी मशीन है जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी सर।